सो हेलो मैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक। आज मैं आ गया हूँ फिर से होंडा के शोरूम पे एंड फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूँ एंड कंपैरिजन करने वाला हूँ होंडा एक्टिवा 125 सीसी का। टोटल 3 वेरिएंट में अवेलेबल होते हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। एंड गाइस, इसमें हम लोग फुल कंपैरिजन करेंगे, आपको क्या चेंजेस देखने को मिल जाता है एंड कौन सा आपको इसमें वेरिएंट लेना चाहिए, ये आपको वीडियो के एंड तक मालूम चल जाएगा। एंड गाइस, एक एक डिफरेंस बात करेंगे ऑन रोड प्राइस डिटेल रिव्यू एंड इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं तीनों व्हीकल में। चलिए फिर बिना देरी के इस रिव्यू को एंड कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग वाराणसी नियर बाय से बिलोंग करते हैं, होंडा की कोई भी बाइक चाहिए तो बिल्कुल इस शोरूम पे आ सकते हैं। शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग ऑटो अपडेट्स रिव्यू एंड कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते गाइस सबसे पहले की से, तो तीन ही मॉडल में आपको गाइस सेम की देखने को मिलती है। कुछ ऐसी की देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको होंडा की 3D लोगो देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम लोग के पास खड़ी है यहाँ बेस वेरियंट, सॉरी हाँ यहाँ पे सबसे पहले खड़ी है इसकी बेस वेरिएंट, जहाँ पे ये स्टैंडर्ड आप बोल सकते हैं इसको एंड इसको आप एलॉय बोल सकते हैं एंड इसको आप DLX या फिर डिक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग तीनों ही व्हीकल का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं कि आपको कौन सा लेना बेटर रहेगा, आपको वीडियो को इन तक पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाइस स्टैंडर्ड की, तो इसकी कलर काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड ये है टॉप मॉडल, मिड वेरियंट, बेस वेरियंट। तो सबसे पहले की मैंने आपको बता दिया सब में सेम देखने को मिलता है एंड मैं इसके की को प्लग इन कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस सबसे पहले जो मैं फ्रंट में डिफरेंस नोटिस कर पा रहा हूँ, यहाँ पे आपको रिम देखने को मिलेगा इसके स्टैंडर्ड में एंड यहाँ में गाइस इसमें एलॉय देखने को मिलेगा, बट जो इसका ब्रेक है वो उसके तरह देखने को मिलेगा आपको ड्रम। एंड ये गाइस उसका टॉप वेरियंट जहाँ पे आपको एलॉय व्हील साथ में डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप डिफरेंस देख पा रहे हो, यहाँ पे एलॉय प्लस डिस्क, यहाँ पे गाइस ड्रम प्लस अलॉय, यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है, नॉर्मल रिम एंड ब्रेक देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इस तीनों व्हीकल में। एंड फ्रंट से अगर बात की जाए तो फ्रंट में ये है गाइस इसकी टॉप मॉडल, जहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, साइड में DRL देखने को मिलेंगे एंड बीच में क्रोम की फिनिशिंग। एंड यहाँ पे गाइस आपको फुली LED सेटअप के साथ हेडलैम्प देखने को मिलेगा, जहाँ पे ऊपर ब्लैक कलर का क्रोम कलर का वाइजर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की होल्डिंग देखने को मिलेगी। नीचे आपको अगर टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 1912 इंच की यहाँ पे आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिलेगी एंड 190mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, जिसमें आपको गाइस जिसके कैलिपर हैं यहाँ पे आपको नेफिन के कैलिपर देखने को मिलेंगे। साइड में रिफ्लेक्टर अगर वहीं बात कर ले गाइस हम लोग एलॉय वेरियंट की, तो यहाँ पर भी आपको गाइस जो इसकी हेडलैम्प है फुली LED सेटअप देखने को मिल जाएगी, ऊपर वाइजर देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे गाइस यहाँ पे भी आपको DRL देखने को मिलता है एंड हेलोजन यहाँ पे आपको टर्न लाइट इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, नंबर प्लेट की होल्डिंग, नीचे मडगार्ड एंड साइड में रिफ्लेक्टर। टायर सेक्शन की बात करें तो गाइस इसमें आप सभी लोग को 1912 इंच का टायर प्रोफाइल देखने को मिलता है एंड 130mm का यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, वहाँ पे 190mm का आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा था। एंड अब बात कर लेते हैं गाइस बेस वेरियंट, गाइस बेस वेरियंट है बस दिखने में काफ़ी ज़्यादा ये कूल लग रही है, डुअल टोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड अट्रैक्टिव लगेगी, रोड प्रेजेंस इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। एंड यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंस और आप देख पा रहे होंगे, इस दोनों वेरिएंट में आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प देखने को मिल रहा था एंड यहाँ पे आपको गाइस हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिल रहा है। तो हेलोजन हेडलैम्प ठीक है थ्रू आउट, थोड़ा वाइट ज़्यादा रहेगा एक्टिवा 125 अलॉय एंड डिक्स वाले में, बट ये भी सही है, यहाँ पे आपको हेलोजन देखने को मिलेगा। दूसरा बड़ा सबसे बड़ा चेंज एंड गाइज यहाँ पे आपको जो इसका DRL वो LED देखने को मिलेगा एंड हेलोजन यहाँ पे आपको टर्न लाइट इंडिकेटर देखने को मिलेगा। अगर बात करें गाइस टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको 1912 इंच का टायर प्रोफाइल देखने को मिलेगा एंड साइड में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर एंड यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा 130mm का। एंड अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड में गाइस यहाँ पे आपको एक्टिवा देखने को मिलेगा क्रोम फिनिशिंग से एंड कोई भी स्टिकरिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको रियर ब्रेक, ये गाइस इसकी पूरी साइड प्रोफाइल, यहाँ पे आपको किक देखने को मिलेगा इसके इंजन में एंड ये है गाइस इसका साइड पैसेंजर फुटरेस्ट रियर के लिए। अब हम लोग बढ़ देते हैं गाइस इसके एलॉय वेरिएंट पे, तो ये है गाइस इसका पूरा साइड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको 125 का यहाँ पे एक्टिवा 125 का लोगो देखने को मिलेगा एंड गाइस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, एकदम सेम है साइड प्रोफाइल स्टैंडर्ड एंड एलॉय का। यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा, दोनों में ही आपको स्पेस देखने को मिलेगा इसमें भी। मीटर कंसोल की बात कर ले गाइस, तो मीटर कंसोल भी यहाँ पे आपको जो सेम देखने को मिलेगा, प्लस इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आपको फुल्ली एनालॉग देखने को मिलता है, जहाँ पे मीटर कंसोल भी इसका यहाँ पे आपको एनालॉग देखने को मिल रहा है, सॉरी फ्यूल गेज भी यहाँ पे आपको एनालॉग देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। बढ़ लेते हैं गाइज हम लोग इसके टॉप मॉडल पर, टॉप मॉडल की अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको गाइज सेम मिलता है एलॉय एंड स्टैंडर्ड की तरह,
अभी हम लोग और भी चीज़ डिस्कस करेंगे। साइड प्रोफाइल उसकी तरह यहाँ पे आपको एक्टिवा 125 का लोगो देखने को मिलेगा। ग्रैब हैंडल आपको तीनों ही वेरिएंट में देखने को मिलता है पीछे। एंड बात कर ले अगर मीटर कंसोल की, तो अलॉय की तरह यहाँ पे आपको मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्पीडोमीटर एंड लॉग एंड डिजिटल, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिलेगा। और भी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिजिटल लिए है। एंड यहाँ पे आपको नीचे 3D लोगो देखने को मिल जाएगा होंडा का, सेम सभी वेरिएंट में आपको होंडा का 3D लोगो देखने को मिलेगा उसमें। एक चीज़ गाइस यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक चेंज देखने को मिल रहा है जिसका मीटर कंसोल है, मतलब अलॉय इंडेक्स में आपको सेम देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड में आपको फुल्ली एनालॉग किया गया है दोनों में। तो आपको यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल देखने को मिलेगा डेक्स एंड अलॉय में। और गाइस बात करें अगर लेफ्ट साइड प्रोफाइल की, सॉरी राइट साइड प्रोफाइल की, तो राइट साइड प्रोफाइल भी तीनों ही व्हीकल का सेम है एकदम, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक्टिवा 125 का क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ लोगो देखने को मिलेगा। पैसेंजर साइड फुटेज देखने को मिलेगा पैसेंजर के लिए। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस जो इसमें का इस फ्रंट में देखने को मिला है वो है ब्रेक का और अलॉय व्हील का। टॉप सेकंड मॉडल में आपको, टॉप फर्स्ट एंड सेकंड मॉडल में आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है। एंड बेस वेरिएंट में आपको रिम एंड ब्रेक, आपको 130mm का ड्रम देखने को मिलता है फर्स्ट मॉडल, सॉरी सेकंड मॉडल, थर्ड मॉडल में। फर्स्ट मॉडल में आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है, साथ में डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलता है 190mm का। तो ये चीज़ इसमें फ़ायदा निकल के आ जाता है। मीटर कंसोल की बात करें तो आपको टॉप वेरिएंट में एंड सेकंड टॉप वेरिएंट में आपको सेमी डिजिटल देखने को मिलता है। एंड बेस वेरिएंट में आपको एनालॉग डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। गाइस टायर प्रोफाइल की बात करें तो 90-110 इंच का यहाँ पे आपको रियर में टायर देखने को मिलेगा। गाइस रियर में जो टायर प्रोफाइल और ड्रम ब्रेक, 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। तीनों ही वेरिएंट में सेम आपको टायर प्रोफाइल एंड ड्रम देखने को मिलेगा, एग्जॉस्ट भी सेम है सब में। इंजन की बात कर ले गाइस 125cc का यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्टेड V6 इंजन तीनों ही में देखने को मिलेगा। पावर एंड टॉर्क तीनों ही व्हीकल का सब सेम है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अब इसके पावर एंड टॉर्क की। तो यहाँ पे आप सभी लोग को 8.18 BHP की पावर देखने मिलेगी 6,250 rpm पे। एंड अगर टॉर्क की बात करें तो 10.4 Nm की टॉर्क देखने मिलेगी 5,000 rpm पे। तीनों ही व्हीकल का पावर एंड टॉर्क सही सेम है। टॉप स्पीड की बात करें तो 90 km/h की यहाँ पे आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है तीनों ही वेरिएंट की। एंड अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी आपको। गाइस ये सब चीज़ें जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ये सब आपको तीनों ही में देखने को मिलेगा, जो कि चेंजेस था मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। एंड अगर गाइस ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो 162mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलेगा आपको एक्टिवा 125 में। अगर ओवरऑल हम लोग व्हील बेस की बात कर लें तो यहाँ पे आपको गाइस जो इसका व्हील बेस है वो 1260mm का देखने को मिलेगा। टायर प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया, फ्यूल टैंक कैपेसिटी बता दिया। गाइस एक चीज़ बता दूँ कि ये वाला जो मॉडल देख रहे हैं ये इसका टॉप मॉडल है जो कि अलॉय है एंड प्लस डिस्क है। एंड ये गाइस इसका मिड वेरिएंट जहाँ पे आपको ड्रम प्लस अलॉय देखने को मिलता है। एंड ये इसका गाइस बेस वेरिएंट जहाँ पे ड्रम प्लस रिप देखने को मिलता है। ये बेस वेरिएंट आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा अच्छी लग रही है। मुझे तो वही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इसके कलर की वजह से। यहाँ पे फ्रंट में आपको गाइस हैलोजन मिलता है, टॉप वेरिएंट सेकंड टॉप वेरिएंट में आपको LED देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स ये था डिटेल कंपैरिजन ऑल अबाउट द होंडा एक्टिवा 125। होप करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग ऑटो अपडेट्स रिव्यू एंड कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ऑटो अपडेट्स एंड रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।